एक्चुअली में जब सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का प्रपोजल हमने भेजा था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, उसके बाद में उन्होंने 2022 में पीजीआई को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर टेली सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घोषित किया अलोंग विद द एम्स दिल्ली एंड एम्स ऋषिकेश। तो उसके बाद में एज अ मेम्बर ऑफ द एआई कमेटी ऑफ द पीजीआई हम क्या करते हैं कि प्रपोजल्स आस्क करते हैं टू ऑल द पीजीआई फैकल्टी के साथ में। उसके बाद में उन प्रपोजल्स को स्क्रीनिंग कमेटी उसको स्क्रीन करती है एंड मिनिस्ट्री से एक टीम आती है जो मिनिस्ट्री ने डिप्लॉय की है, वो उसका कम्युनिटी के ऊपर उसका फ़ायदा देखती है कि जो एक नॉर्मल जनरल पेशेंट को उसका फ़ायदा, एक नॉर्मल पॉपुलेशन को उसका फ़ायदा हो, उस प्रपोजल को वो आगे बढ़ाने के लिए अब हमारी मदद करती है। तो जैसे आपको, जैसे हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभी चल रहा है लिवर कैंसर एंड ओरल कैंसर के प्रिडिक्शन मॉडल एआई पे काम चल रहे हैं, और अभी फ्यूचर में लंग कैंसर के ऊपर प्रपोजल हमें मिला है एंड उसका अप्रूवल हमें मिनिस्ट्री से मिल गया है, और उस पर भी हम जल्दी से ही जल्दी उस पर काम स्टार्ट करने वाले हैं। किस तरह से ये काम करेगा एआई? तो इसमें जैसे ओरल कैंसर, सबसे पहले जो एआई है वो इट इज़ द मेनली डाटा पे डिपेंडेंट है, तो हम सबसे पहले उससे रिलेटेड डाटा हम इकट्ठा करेंगे। जैसे ओरल हेल्थ, ओरल कैंसर के अंदर काफ़ी मुंह की इमेजेस, जैसे डॉक्टर अर्पित ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, वो मुंह की इमेजेस हम लेंगे, उसके बाद में उसका एक मॉडल तैयार होगा। वैसे ही अल्कोहलिक हेपेटाइटिस एक और है, उसमें ऐसे पेशेंट जो अल्कोहल यानी शराब का सेवन कर रहे हैं, साथ साथ में उनको हेपेटाइटिस भी है, उनकी लीवर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और वो लीवर उनका डैमेज होने का और उस पर कैंसर होने का सबसे ज़्यादा खतरा बना रहता है। तो उन पेशेंट्स को अर्ली डायग्नोसिस होके और उनको उस खतरे से बचाया जा सके, इसके तौर पर हम इसका मॉडल तैयार कर रहे हैं। सेम ऐसा ही लंग कैंसर के ऊपर भी होगा कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो तंबाकू का सेवन करते हैं, जो सिगरेट और बीड़ी ज़्यादा पीते हैं, उनके अंदर कैसे उनके लंग्स के अंदर चेंजेस आते हैं, उनको अर्ली डिटेक्शन मॉडल से हम उसको देखिए, हम ओरल कैंसर को ट्रीट नहीं कर रहे, हम ओरल कैंसर होने से पहले उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम जो देखते हैं हमारे पास करीब 70-80% जो पेशेंट्स आते हैं वो स्टेज 3 या स्टेज 4 में, काफ़ी एडवांस स्टेज में आते हैं, और उस टाइम काफ़ी नुकसान वो ऑलरेडी झेल चुके होते हैं। और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ओरल कैंसर होने से पहले जो कुछ मुँह में बदलाव आते हैं उनको हम जो पेशेंट है उसके घर के पास ही कहीं जल्दी से डिटेक्ट कर सकें। तो हमारा प्रयास है कि हम एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करें जिससे हमारी जो आशा वर्कर हैं, जो हमारे CHOs हैं जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर कार्यरत हैं, वो और PHC CHC पे जो भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनके पास रहे, और कोई भी मरीज उनके पास जो आता है जिसको मुँह में कुछ कैंसर पूर्व लक्षण हैं, जैसे लाल या सफ़ेद रंग के कुछ घाव हैं, कोई अल्सर्स हैं, या मुंह में कुछ आवाज़ में बदलाव आया है, मुंह खुलना बंद हो गया है, तो इस तरीके के मरीजों को जल्दी ही एक सिंपल से एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से स्क्रीन किया जाए, उनका फ़ोटो लिया जाए, थोड़ा बेसिक डेटा डाला जाए, और अगर पेशेंट को रिस्क है कैंसर का तो तुरंत ही उसको हायर सेंटर पर जहाँ पर इस तरीके की इलाज की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं रेफ़र किया जाए। सो ये PGI अपने आप में एक पहला इंस्टीट्यूट है भारत का जो ऐसे काम कर रहा है। PGI एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो कि करीब 1.5 साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने घोषित किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और उसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ने एक टीम स्पेशली हमारे साथ डिप्लॉय की है जो कि दो मेन प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, एक ओरल कैंसर से रिलेटेड है और दूसरा अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जो कि आगे चल के लीवर कैंसर के रूप में भी कन्वर्ट